नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले के सिरमौर जनपद अंतर्गत पथरी ग्राम पंचायत में स्थित कन्या छात्रावास में सिरमौर तहसील के एसडीएम अंजलि द्विवेदी ने औचक निरीक्षण कर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। आपको बता दें कि इस औचक निरीक्षण के दौरान एसडीएम अंजलि द्विवेदी ने संस्था में कई अव्यवस्थाएं देखी, जिसको लेकर के उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने की बात कही है। सिरमौर एसडीएम अंजलि द्विवेदी जो अपने औचक निरीक्षण के दौरान सिरमौर तहसील के पथरी ग्राम स्थित कन्या छात्रावास का निरीक्षण करने पहुंची थी, वहां छात्रावास में उन्हें भारी अव्यवस्था का आलम देखने को मिला। एसडीएम जो अव्यवस्थाएं देख छात्रावास कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई और सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। छात्रावास अधीक्षक जहां निरीक्षण के दौरान मौजूद नहीं पाई गई, वहीं 2 माह से बिजली बिल जमा नहीं होने के कारण विद्युत कनेक्शन कटे होने की भी बात सामने आई। वहीं छात्रावास में कुल 59 छात्राएं दर्ज हैं, जिनमें से मात्र 12 छात्राएं उपस्थित पाई गईं। एसडीएम ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि कर्तव्य का निर्वहन में लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शासन के आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से हो, यदि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था पाई गई तो दोषियों के खिलाफ सख्त और कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से रीवा जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, और चाहे बात पुलिस प्रशासन की हो, चाहे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कर्मचारियों की, और चाहे माफियाओं पर कार्रवाई की, हर क्षेत्र में रीवा के जिला प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाइयां इन दिनों की जा रही हैं। और इसी के तहत सिरमौर के पथरी स्थित कन्या छात्रावास के औचक निरीक्षण के बाद भारी व्यवस्था को देखते हुए कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।